हेलो देयर, वेलकम टू मेडिकल मिरेकल्स। मैं हूं आशुतोष मोदी, आपका बायो मेंटर, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। है ना, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हम सेल को और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं सेल को हम फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसे भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सेल होता क्या है, ठीक है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन सेल होता क्या है पहले हम ये इस बात को भी समझेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को हमने 7 टॉपिक में क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। इस 7 टॉपिक को हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, दूसरा होगा हमारा व्हाट इज सेल, तीसरा होगा हमारा सेल थ्योरी, चौथा होगा हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सेल, पांचवा होगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, और छठा होगा हमारा यूकैरियोटिक सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, और सातवां होगा हमारा सेल डिवीजन, जिसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। तो सेल चैप्टर को हम लोग इन 7 टॉपिक्स में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें जो है सेल की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, है ना। हमने जो भी अब तक पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, देखना अब इन सब का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि पूरा सेल ही हमारा इन्हीं चारों चीज़ों से बना होता है, इन्हीं चारों बायोमॉलिक्यूल से मेनली बना होता है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ ड्राइंग की है, शायद आपको पसंद आएगी, है ना। मैंने यहाँ पे एक माउस बनाया है, मैंने यहाँ पे टिपिकल प्लांट लिया है, और मैंने यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बनाया है, ठीक है। लग तो रहा है ना बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को बनाया है, पहला माउस है, दूसरा प्लांट है, और तीसरा हमने लिया है यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या शो करना चाहता हूँ, इस इमेजेस से मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ कि देखो अगर ये माउस है, है ना, तो अगर इस माउस के छोटे से सेक्शन को अगर हम जूम करके देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में इस छोटे से सेक्शन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी बॉडी में छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे हमें राउंड जो है रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सेल, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। और इसी सेल को हम पढ़ने वाले हैं, इसी एक सेल को हम पढ़ने वाले हैं कि एक सेल की दुनिया कैसे होती है, हम सेल की टूर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा माउस है, अगर इस प्लांट को देखें हम तो क्या प्लांट में सेल होते हैं, है ना। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि प्लांट लिविंग होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो इसको जानने का भी एक तरीका है, माइक्रोस्कोप उठा लो, और वहाँ पे अगर इस माइक्रोस्कोप से अगर हम इस प्लांट के छोटे से सेक्शन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें इसमें भी छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। डिफरेंसेस होंगे बट थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस होंगे, बाकी बेसिक्स जो सेल के अंदर होता है वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी, है ना। तो अगर इस प्लांट के छोटे से सेक्शन को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें इनमें भी ऐसे ही रिपीटिंग छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, इन्हें भी हम सेल बोलेंगे। और अगर हम इन सारे बैक्टीरिया को देखें, यहाँ पे जो हमें बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहे हैं मेनली 4 शेप्स की, बैक्टीरिया का मेनली 4 शेप होता है, ये देखो हमारा रॉड शेप्ड है, ये हमारा स्पाइरल शेप्ड है, ये हमारा स्फेरिकल शेप्ड है, और ये हमारा कॉमा शेप्ड है, ठीक है, जिसे हम लोग बायोलॉजी में बैसिलस, स्पाइरिलियम, विब्रियो और कॉकस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ये सारे सेल हैं, ठीक है, बट इसे हम जूम करके नहीं देख सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये खुद ही एक सिंगल सेल है, ठीक है। इसे हम जूम करके देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे खुद में ही एक सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, ये भी सिंगल सेल है, और ये भी सिंगल सेल है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यानी सिंपली बोलें प्रोकैरियोट्स, नहीं पता होगा तुम लोगों को अभी, लेकिन चलो अगर हम सिंपली बोलें तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो बहुत छोटा हो या फिर चाहे बहुत बड़ा हो, हम हाथी की बात करें, ब्लू व्हेल की बात करें, हम मेराइन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सी हॉर्स की बात करें, शार्क की बात करें, अरबोरियल एनिमल्स, एक्वाटिक, जिसकी भी बात कर लें, अगर वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल, कोई भी हो, अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो किसका बना होगा बच्चों, वो बना होगा सेल का, ठीक है, जो कि रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। जिस तरह से बिल्डिंग्स को बनाते समय हमें बारीकी से एक एक ईंट को सजाना होता है तब जाकर के एक पूरा घर बन पाता है, उसी तरह से हमारी बॉडी को भी इस प्रकृति ने सजाया है, ठीक है, सेल्स से, सेल को इस तरह से हमें हमारी बॉडी में अरेंज किया गया है, सिर्फ हमारी नहीं दुनिया की सारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इस तरह से सेल को अरेंज किया गया है कि वह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन चुका है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। उसी तरह से अगर हम और लो लेवल पर बात करें तो एटम्स इस तरह से अपने आप को अरेंज करती हैं कि वो बन जाती हैं एक सेल,
ठीक है। एक्सेल किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये चारों बायोमोलिक्यूल्स भी अपने आप को इस तरह से अरेंज करती हैं कि एक पूरा जिंदा सेल बन जाता है अगर हम लेबोरेटरी में, ठीक है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में बिल्कुल एक सेल का ही जैसा, यानी एक सेल का जो भी कंपोनेंट होता है, एक सेल जिस चीज़ से भी बना होता है, बिल्कुल वैसे ही चीज़ों को उन्होंने लेबोरेटरी में तैयार कर दिया, एक सेल जैसा बिल्कुल, है ना, जिसे कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर दिया, बट उसमें वो उन्होंने जीवन नहीं दे पाया, उन्होंने उसमें उस सेल को जीवन नहीं दे पाया। तो एक सेल किस तरह से लिविंग बनता है ये आज भी एक मिस्ट्री है, ठीक है। आज भी हम नहीं जानते हैं कि एक सेल जिंदा कैसे है, लिविंग कैसे है, है ना। भले ही उसके हम केमिकल कंपोनेंट्स को जानते हैं, सब कुछ को जानते हैं, वो बना किससे है, किन एटम्स से मिलकर बना है, वो कौन सा मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, लेकिन आज भी हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सा वो एनर्जी है, कौन सी वो पावर है जो कि एक सेल को रन कर रही है, है ना। सेल के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, 5000 से भी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम चल रहे होते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ एंजाइम, लेकिन वो कैसे हो रहा होता है ये आज भी एक मिस्ट्री है, हम इस बात को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सेल क्या होता है बच्चों? सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सिंपली कहें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है यूनिट ऑफ लाइफ? इसलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ मीन्स क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल्स के बने होते हैं, इन्हीं छोटी छोटी सेल्स, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दुनिया की कोई भी अगर हम बॉडी उठाकर देख लें, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठाकर देख लें, अगर उसके हम छोटे सेक्शन को अंडर माइक्रोस्कोप अगर जूम करके देखें तो हमें यही सेल दिखाई पड़ेंगे जो कि क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। दिख रहा होगा आपको यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, ठीक है। चलो अब एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि हम एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा सा, ठीक है, पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सारे टॉपिक्स जो मैंने टॉपिक्स को अभी सारे टॉपिक्स का जो मैंने नाम लिया था अभी, सात टॉपिक्स का, डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना, व्हाट इज सेल, सेल थियरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स, फिर पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन को, तो इन सबको पढ़ेंगे, पहले एक छोटा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि सेल जो है दो ब्रॉड कैटेगरी में सेल को बांटा गया है, ठीक है। सेल जो है इस दुनिया में जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को हम लोग बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी है हमारा यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अच्छा, क्या डिफरेंसेस है इस यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो हम छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। हम जाएंगे डिटेल में बट यहाँ पे हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास डीएनए होता है जो कि इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो डीएनए होता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स में, उनमें क्या होता है, उनका जो डीएनए है यानी न्यूक्लिक एसिड, सिंपली बोले तो उनकी न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो इनक्लोज होती है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। साथ ही साथ दे हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स, जिस तरह से हमारी बॉडी में खूब सारे ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, स्पेशल फंक्शंस के लिए, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ब्रेन का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, तो उसी तरह से हमारे सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स मींस होता है लिटिल ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स मींस क्या होता है, लिटिल ऑर्गन्स, ठीक है। आप सेल को एक ह्यूमन बॉडी मान सकते हो, एक सेल हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट हमारे सेल के अंदर भी, एक सेल के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और वो ऑर्गेनेल्स बच्चों बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, और उनके फंक्शंस की वजह से ही, जिस तरह से हमारे बॉडी में ऑर्गन्स कई सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, आपस में मिलजुल कर, और तभी हमारी बॉडी जिंदा है, ठीक है, हम हैं, तुम हो, ठीक है। उसी तरह से एक सेल भी, एक सेल जो इंडिविजुअली है वो खुद भी बहुत सारे फंक्शंस कर रहा होता है, उसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, जिसके वजह से उस सेल का अस्तित्व होता है, वरना वो होगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, तो दे डोंट हैव मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग डीएनए, इनका जो डीएनए है, ठीक है, ये किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है, है ना। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो या सिंपली बोले तो प्रोकैरियोट्स की, तो इनकी जो डीएनए होती है या न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इनके बाहर किसी भी तरह का मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एक्सपोज होते हैं सिंपली साइटोप्लाज्म में, है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में वो सिंपली क्या होते हैं बच्चों, एक्सपोज होते हैं, ठीक है। दे लैक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इनके अंदर यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वो होते ही नहीं है, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर सर यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो वो फंक्शन कर पा रहे हैं, है ना, वो जिंदा है,
लेकिन वही सारे काम की जरूरत भी पड़ती है प्रोकैरियोटिक सेल्स को, उनको भी सारे काम वो करने हैं, इनको भी एनर्जी गेन करना है, इनको भी जो है एक्सक्रीशन करना है, इनको भी मटेरियल्स का एक्सचेंज करना है, इनको भी प्रोटीन बनाना है, तो वो कैसे करते होंगे, है ना, तो उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस हम एक छोटा सा ब्रीफ ले रहे हैं, ठीक है। दे लैक मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स, देखो लिखा है यहाँ पे कि दे लैक, इनके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ही ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ ही क्या, बस एक ऑर्गेनल्स होता है, बताऊंगा मैं, ठीक है। दे आर वेरी सिंपल एंड ऑलवेज वन सेल्ड, प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, इनफैक्ट इनमें तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है बेसिकली तीन चार चीज के अलावा, ठीक है, और ये हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा अकेले पाए जाते हैं, कभी भी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये कभी भी टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि सिंपली बोलें तो एक सेल जो है मतलब बहुत सारे हमें ग्रुप में दिखाई नहीं पड़ेगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, हमें ये बैक्टीरिया जो है, और इसमें कौन से आते हैं बच्चों, इसमें आते हैं मेनली क्या, बैक्टीरिया ही आते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, इसमें कौन आते हैं बच्चों, बैक्टीरिया। देखो ये सारे एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे शो किया है, देखो मैंने इसे घेरा इस तरह से, और ये वाला जो कैटेगरी है ये आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और ये कैटेगरी जो मैंने दिखाया यहाँ पे यानी माउस को और इस प्लांट को, ठीक है, प्लांट में आप दुनिया के सारे प्लांट ले लो, और यहाँ पे माउस के बदले यहाँ पे आप दुनिया के सारे एनिमल्स ले लो, ठीक है, ये सब आते हैं इसी यूकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स को पहचानना है, ठीक है, तो आप कई सारी चीजों से पहचान सकते हैं। पहला तो ये कि उनकी डीएनए कभी भी इनक्लोज नहीं होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या किसी भी तरह के मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होगी। दूसरा, इनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो कुछ होंगे, माइन्यूट होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होंगे, है ना, हम पढ़ेंगे यूकैरियोट में कि इनकी जो ऑर्गेनल्स होती है इनके बाहर कवरिंग होती है, ठीक है, इनके बाहर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ लोग कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग, है ना। तो ये पहचान है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और क्या पहचान है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, कि ये हमेशा अकेले पाए जाएंगे, है ना, ये हमेशा अकेले पाए जाएंगे, ठीक है, इनके आसपास मतलब ये ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे, है ना, ये क्लस्टर्स नहीं बनाएंगे, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, ये पहचान है प्रोकैरियोटिक सेल की। और तो और इनकी साइज भी यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफी छोटी होगी, ठीक है। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी सिंपली बोले तो बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 37 ट्रिलियन सेल से बनी है, हमारी बॉडी बच्चों 37 ट्रिलियन सेल से बनी है। और तुम्हें पता है कि हमारी सिर्फ बॉडी पे यानी सिंपली बोले तो बॉडी पे और बॉडी के अंदर टोटल अगर मिला ले हम, तो सिर्फ हमारी बॉडी में और बॉडी पर टोटल मिला करके 40 ट्रिलियन प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी पर और बॉडी के अंदर। सोचो कितने छोटे होंगे कि 37 ट्रिलियन सेल्स के ग्रुप में के ग्रुप पर या सिंपल बोले उसके क्लस्टर पे 40 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी पर और हमारी बॉडी के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनकी साइज यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में यानी हमारी बॉडी के सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। इसी वजह से तो 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर 40 ट्रिलियन सेल्स आराम से ऑक्यूपाई कर जाते हैं और हमें फील तक नहीं होता है, है ना, इतने ही छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना है बच्चों की दुनिया की सारी सेल्स, दुनिया की कोई भी सेल हो, दुनिया की सारी सेल्स में तीन चीज़ें कॉमन होंगी, ठीक है, दुनिया की कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो यूकैरियोटिक सेल हो, तीन चीज़ें तो कॉमन होंगी। क्या क्या? पहला होगा सेल मेम्ब्रेन, ये तो वही बात होगी ना कि कोई भी घर हो, अगर घर है तो घर की अपनी एक बाउंड्री होगी, ठीक है, उनका अपना वॉल होगा, है ना, बिल्कुल उसी तरह से दुनिया का कोई भी सेल हो उनकी अपनी एक बाउंड्री होगी जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी चीज साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, ठीक है, यानी सेल का फ्लूइड, यानी सेल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा इस तरह का जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये दुनिया के हर सेल में प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो, हम डेड सेल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का सेल हो उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज डीएनए, ठीक है, सिंपली बोले तो न्यूक्लिक एसिड, इसके बिना तो सेल चल नहीं सकता, इसके बिना सेल का कोई काम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हर सिस्टम को चलाने के लिए एक कंट्रोलर चाहिए होता है, एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हर सेल के अंदर, दुनिया के हर सेल के अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड या सिंपली बोले तो डीएनए और आरएनए देखने को मिलती है, ठीक है, इनके बिना तो कोई सेल रन कर ही नहीं सकता। तो तीन चीज़ें कॉमन होती है हमारी सेल्स में, दुनिया के सारी सेल्स में, क्या क्या बच्चों, फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या फिर प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, दूसरा है साइटोप्लाज्म,
और तीसरा है डीएनए, और सिंपली बोले तो न्यूक्लिक एसिड। ये तो चाहिए ही चाहिए दुनिया के सारे सेल्स को रन करने के लिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल सेल्स हैव थ्री थिंग्स इन कॉमन, ठीक है। तीन चीज़ें जो है दुनिया के हर सेल में होती है, पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसको जानने के बाद अब हम लोग आएंगे अपने फर्स्ट टॉपिक पे सेल के, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, ठीक है। चलो अगर नोट करने लायक कुछ लगता है तो आप नोट कर सकते हो, फिर मैं इसे इरेज करूंगा, ठीक है। चलो इरेज कर देते हैं इसे, है ना, कर दो इरेज। पहले बच्चों ये समझ लो कि साइटोलॉजी क्या होता है, है ना। तो देखो बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी ना, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें लोग स्टडी करते हैं सेल की। देखो साइटो, साइटो मींस होता है सेल, और लॉजी जो बड़े आया है लॉगोस से, जिसका मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल की स्टडी को हम कहते हैं बच्चों साइटोलॉजी, ठीक है। एक बार क्या करते हैं हम लोग उन सारे टॉपिक्स को, उन सात टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और आप भी उन सारे टॉपिक्स को अपने नोटबुक में नोट करना, तब आपको आइडिया मिलेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। पता भी तो होना चाहिए ना कि हमारा दायरा क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और हमें कितना बाहर निकलना है, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो। अच्छा साइटोलॉजी जो टर्म है ना, ये साइटोलॉजी टर्म ये पूछता है एग्जाम में, ये दिया था हर्टविग ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हर्टविग, इन्होंने साइटोलॉजी टर्म को दिया था, ठीक है। और साइटोलॉजी के फादर, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है बच्चों रॉबर्ट हुक को, ठीक है, हम आएगा ये नाम, ठीक है। अब देखना कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, ये टर्म, ये वर्ड हमें मिलेगा, ठीक है, ये नाम हमें दोबारा मिलेगा, रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में, ठीक है, इसलिए इन्हीं को कहा गया, माना गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। इसे नोट करो, फिर जल्दी से इसे रेस करते हैं और हम सारे टॉपिक्स को लिखते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, तो डिस्कस किया जाने वाला है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला टॉपिक होगा हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, डिस्कवरी ऑफ सेल। ये चैप्टर क्लास 9 के बच्चों के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं सब, इनफैक्ट बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं सारी चैप्टर्स इसी सेल चैप्टर से ही रिलेटेड है। आप बायोलॉजी की कोई भी चैप्टर बिना सेल पढ़े नहीं समझ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें सेल में ही तो होती हैं, ठीक है, या फिर सेल के ग्रुप में होती है, है ना, क्लस्टर जिसे कहते हैं, है ना, टिश्यू कहते हैं, या फिर ऑर्गन्स में होती है। ऑर्गन किसका बना हुआ है, टिश्यू का बना हुआ है, टिश्यू किनका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। तो जब तक हम बेसिक यूनिट को नहीं समझेंगे कि सेल होता क्या है, ये फंक्शंस किस तरह से करती हैं, कितने तरह की होती हैं, इनका कंपोजिशन क्या है, हम किसी भी चैप्टर को बायोलॉजी में हम नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों तरह के बच्चों के लिए, क्लास 9th 10th और इनफैक्ट 11th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे वाले डिस्कवरी ऑफ सेल, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है, व्हाट इज अ सेल, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सेल थियरी, सेल थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवर व्यू ऑफ सेल, ठीक है। फाइव पढ़ेंगे हम लोग, फिफ्थ पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सिंपली बोले तो प्रोकैरियोट्स के बारे में, ठीक है।
सिक्स्थ पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में एंड ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का, ये होगा हमारा सेल डिवीजन। सेल ये सेल डिवाइड किस तरह से करते हैं, किस तरह से एक सिंगल सेल जो है एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को बना पाती है डिवीजन करके, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन में, पहला पढ़ेंगे दो तरह का डिवीजन होता है सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस और फिर पढ़ेंगे मियोसिस, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो सेम बेटा तो एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, ये सेल जो वर्ड है, ये सेल जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ठीक है। पहले तो हम ये पढ़ेंगे, है ना। देखो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे बच्चों, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक है ना, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक उस टाइम के, ठीक है। इन्होंने क्या किया 1665 में, 1665 में एक लाइन है एनसीईआरटी की, उन्होंने क्या किया अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उन्होंने क्या किया अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, उन्होंने स्पेनिश ओक ट्री, ठीक है, एक ट्री थी स्पेनिश ओक ट्री, स्पेनिश ओक ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है। अच्छा बहुत बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि बार्क क्या होता है ना, कुछ टीचर्स तो ये भी बता देते हैं, ठीक है, कॉर्क, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया 1665 में स्पेनिश ओक ट्री के कॉर्क की स्टडी की, ठीक है। कॉर्क और बार्क में बहुत फर्क है, ठीक है, कॉर्क इज नॉट बार्क, बहुत टीचर जो है कॉर्क को ही बार्क बता देते हैं, ठीक है, या बार्क को ही कॉर्क बोल देते हैं, है ना, जो कि सरासर गलत है ना। बार्क और कॉर्क में अंतर है, देखो अगर हम एक हाइयर ट्री जो होती है, ठीक है, सिंपली बोले तो डाइकॉट ट्री जो होती है ना, अगर किसी डाइकॉट ट्री का हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करें, ठीक है, अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली कट करें, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम एक डाइकॉट ट्री का हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करें, देखो मैंने कट कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो हमें इसमें कई सारे टिश्यू के लेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, इसमें हमें कई सारे टिश्यू के लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। सबसे सेंटर में जो टिश्यू होता है इसे हम बोलते हैं पिथ, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पिथ, ठीक है। इसके बाद जो होता है इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हार्ट वुड, क्या बोलते हैं, हार्ट वुड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा टिश्यू का लेयर, ये होता है हमारा, इसे बोलते हैं सैप वुड, क्या बोलते हैं, सैप वुड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक टिश्यू की लेयर्स होती है, ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल लेयर होती है, और क्यों स्पेशल, क्योंकि यही वो टिश्यू की लेयर है जो डिवाइडिंग होती है या डिवाइड करती है, तब जाकर के जो है ना, बाकी टिश्यू के लेयर्स का फॉर्मेशन हो पाता है ना, वो बन पाता है। तो ये जो इसे बोलते हैं कैम्बियम, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कैम्बियम, ये कैम्बियम है, ठीक है, एक्चुअली ये वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, ये है वस्कुलर कैम्बियम, समझो। देखो कॉर्क कहाँ पे होता है, किसे कहते हैं एक्चुअली में कॉर्क, ठीक है, तो देखो ये है वस्कुलर कैम्बियम। अब इस वस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है, इस वस्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है फिर से एक सेल का लेयर, सेल्स की लेयर होती है, और इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं फ्लोएम, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लोएम, एक्चुअली में ये सेकेंडरी फ्लोएम होती है, बस आप समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, इसके बाद होता है, इस सेकेंडरी फ्लोएम के बाद होता है यहाँ पे एक और टिश्यू की लेयर जो डिवाइडिंग होती है, जो बहुत स्पेशल होती है, इसे थोड़ा सा मैं और ब्रॉड बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हटेगा,
इसके बाद एक और टिश्यू की लेयर होती है जिसे हम कहते हैं वास्कुलर, सॉरी जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसे मैं और थोड़ा बोर्ड करता हूँ, ठीक है, तो बेटर समझ में आएगा। ये हो गई सैफवुड, ये हो गया हमारा पेट बीच वाला, ये हो गया हमारा हार्टवुड, और ये हो गया हमारा वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब देखो इसके बाहर यानी जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम के बाद का जो लेयर है इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, यही कॉर्क कैम्बियम जो है वो फॉर्मेशन करता है कॉर्क टिश्यू का, ठीक है। देखो ये कॉर्क टिश्यू है, ठीक है, कॉर्क टिश्यू होती है जो डेड लेयर होती है सेल्स की, ये सेल जो है डिवाइड करने के बाद डेड हो जाते हैं, अपने साइटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, ठीक है, और ये ड्राई हो जाते हैं। ये कॉर्क जो होते हैं ना, ये प्लांट के ट्रंक को इम्परवियस बनाते हैं एयर और वाटर के लिए, वाटर आसानी से इनसे अंदर नहीं जा सकता है, डिफ्यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हो गई देखो कॉर्क की लेयर, ठीक है, ये हो गई कॉर्क की लेयर। देखो यही है हमारा कॉर्क टिश्यू, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है हमारा, ये हो गया हमारा, ये वाला लेयर हो गया हमारा, ये हो गया कॉर्क, ठीक है, ये है हमारा कॉर्क, देखो, ठीक है। बोलोगे सर बार्क कहाँ गया, तो देखो इस कॉर्क और इस कॉर्क कैम्बियम और इस सेकेंडरी फ्लोएम, इन तीनों को मिलाकर, देखो ध्यान से बच्चों, इस कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और फ्लोएम को, सेकेंडरी फ्लोएम को मिलाकर हम कहते हैं बार्क, ठीक है। अब समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, एक डाइकोट ट्री जो हायर ट्री होती है, डाइकोट ट्री पढ़ोगे आप आगे जाकर, ठीक है, बस यहाँ पे समझो आपकी डाइकोट ट्री जो होती है वो हायर ट्री होती है, ठीक है, उनके ट्रंक काफी मोटे मोटे होते हैं, उनकी गर्थ जो है काफी चौड़ी होती है। अगर उसका हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, क्योंकि स्पेनिश ओक ट्री जो थी ये डाइकोट ट्री थी, ठीक है, तो अगर हम किसी डाइकोट ट्री का क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो हमें देखो टिश्यू के कई सारे लेयर्स दिखाई पड़ेंगे। सबसे अंदर में पिथ है, फिर उसके बाद हमारा है हार्डवुड, फिर हमारा सैपवुड, फिर हमारा वास्कुलर कैम्बियम, फिर है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर है हमारा कॉर्क कैम्बियम, और देन आता है हमारा कॉर्क, ठीक है। ये कॉर्क जो था, इसी कॉर्क का स्टडी किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने, और ये कॉर्क किसका था, एक्चुअली में था ये स्पेनिश ओक ट्री का, ठीक है, स्पेनिश ओक ट्री का उन्होंने कॉर्क को रिजेंबल किया था, सॉरी सीन किया था अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप में, जो कि एक्चुअली में प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, ठीक है। ये है कॉर्क। बार्क क्या होता है, बार्क में हमारा कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम और फ्लोएम भी आ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी प्लांट के बार्क को रिमूव कर दें, ध्यान सुनो, अगर किसी प्लांट के हम बार्क को रिमूव कर दें तो वो प्लांट जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्यों जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए क्योंकि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, क्लास 8 में 7 में, कि जो फ्लोएम होती है बच्चों वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स में, जबकि जाइलम होती है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रही है तो अगर हम किसी प्लांट के बार्क को रिमूव कर दिए, इसका मतलब कि हम फ्लोएम को रिमूव कर चुके हैं, और अगर फ्लोएम रिमूव हो गया है तो क्या रूट तक जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था फ्लोएम से, लीफ से रूट तक, वो तो रुक जाएगा बीच में, है ना। देखो जरा यहाँ देखो, अगर मान लो ये एक प्लांट, एक ट्री है, ठीक है, और ये इसकी रूट हो गई, ठीक है, ये इसकी रूट हो गई, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ बीच से जो है मान लो फ्लोएम रन कर रहा है, ये फ्लोएम है, ठीक है, ये इसका फ्लोएम है, देखो ये फ्लोएम है, ये वाला पार्ट फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ठीक है। अब मैंने किया क्या, अब मैंने जो है इसको कट कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, देखो मैंने कट कर दिया, मैंने इसको कट कर दिया। अब जो है जब इससे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा था फूड का, ठीक है, तो जब नहीं काटा था मैंने, जब इसे नहीं काटा था तो क्या हुआ था, ये फूड जो है आराम से रूट तक मतलब आ रहा था, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के थ्रू जो है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये फूड जो है आराम से फ्लोएम से होकर के इस रूट्स तक आ रहा था, इन रूट्स तक, ठीक है। लेकिन जैसे हमने बार्क को कट किया, मैंने मतलब कि हमने सेकेंडरी फ्लोएम को भी कट कर दिया, यानी फ्लोएम को कट कर दिया, और अगर फ्लोएम को कट कर दिया है तो क्या होगा बताओ, ये फूड जो है
ये नीचे आ ही नहीं पाएगा, ये फूड क्या होगा यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगी, है ना। ये चीज हमें रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है। आप सर्च करो जाकर अभी गूगल पे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, आपको दिखेगा वहाँ पे किस तरह से बार को रिमूव करने के बाद जो है फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है रूट तक, जिसकी वजह से रूट जो है मतलब प्लांट जो है फाइनली मर जाता है, क्योंकि रूट अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रूट अगर जिंदा नहीं रहेगा तो प्लांट्स जो तो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। रूट के सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे, है ना, जिस वजह से वो प्लांट भी फाइनली मर जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, स्पैनिश ओक ट्री के कॉर्क का स्टडी किया था, ठीक है, और कॉर्क को उन्होंने क्या किया, पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिए, ठीक है। और जब उनमें से कुछ स्लाइसेस को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें जो है मोनेस्ट्री, जानते हो आप मोनेस्ट्री, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, मोनेस्ट्री जो है एक प्लेस होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं छोटे छोटे, उन मोनेस्ट्री में क्या होते हैं छोटे छोटे रूम्स होते हैं, ठीक है, उन रूम्स को वहाँ पे सेल्स कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है, CELLS, हाँ जी हाँ वही सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्री में जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं छोटे छोटे कमरों में, उन्हें हम लोग कहते हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स वहीं पे, तो जो रॉबर्ट हुक थे ना उनको आइडिया, यानी उनका जो उनको जब वो इस है ना कॉर्क का स्टडी कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप से, तो उनको उस कॉर्क में भी छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, कमरे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। और उनको ये चीज़ उनको किसका याद आया, जब उन्होंने देखे, हम लोग क्या करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग उसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हमने सितारों को देखा, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन को देखा, ठीक है, मतलब बहुत सारे तारों के ग्रुप को देखा, तो हमने क्या किया, हमने मन ही मन जो है उसे कई सारे अपने लाइन से जोड़ा, इमेजरी लाइन से कनेक्ट किया, और हमने बोला कि देखो ये बियर की तरह दिखाई पड़ता है, ये तो बियर है, ये स्कॉर्पियन है ना, कई सारे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, उर्सा मेजर है। तो हमने जो है क्या किया, अपने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक्चुअली में अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है उनको ये चीज़ हिट किया माइंड में कि अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है जो हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, ये तो किसके तरह दिखाई पड़ रहा है, ये तो मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स रहते हैं अपने रूम्स में, जिनको सेल्स कहते हैं, उनके जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उनको ये चीज़ और एक जैसा रिजेंबल हुआ, उनको जो है ये चीज़ जो जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में स्क्वायर को, तो उनको जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा वो जो है उनको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। हनी कॉम कैसा होता है, ठीक है, अगर हनी कॉम को आप देखोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसा होता है, मान लो कि ये जो है कोई डाल है, ठीक है, और यहाँ पे ये मधुमक्खी का छत, ठीक है, अगर इसे हम बहुत जूम करके देखेंगे तो हमें जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ बना रहा, ठीक है, देखो ये हमें बच्चों ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम किसी हनीकॉम को जूम करके देखेंगे, दूर से तो नहीं दिखता हमें, ब्लैक ब्लैक दिखता है पूरा, है ना, लेकिन अगर हम उसे जूम करके देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह का ये हेक्सागोनल हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे, दिख रहा है ये हेक्सागोन, ये हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना इनको दो चीज माइंड में आया, ठीक है, दो शेप जो इनके माइंड में आया, पहला क्या था, पहला जो लोअर बुक्स लिखती है टेक्स्ट बुक लिखती है हमारी वो लिखती है हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब आप हायर बुक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक को जो है एक चीज और याद आई, वो क्या थी एक्चुअली में, कि मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स रहते हैं वो जिस रूम्स में रहते हैं उनको सेल्स कहते हैं, और बिल्कुल उनके जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, कौन, ये कॉर्क, अगर कॉर्क को उन्होंने अगर कॉर्क हम यहाँ पे बनाए तो कॉर्क भी कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। कॉर्क को अगर हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो मान लो ये कॉर्क है, ये कॉर्क का मान लो कोई टुकड़ा है, तो हमें इसमें भी यही हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, देखो कुछ ऐसा है ना, ये कुछ इस तरह का, ठीक है बच्चों, देखो देखो इस स्ट्रक्चर को तुम देखो और इसको देखो, दोनों ही कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। अभी जाके आप गूगल पे सर्च करो, है ना, सेल्स ऑफ मोनेस्ट्री ऐसे सर्च करना, ठीक है, गूगल पे सर्च करो सेल्स ऑफ मोनेस्ट्री, आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी वहां पे, ठीक है, बहुत शोक होगा वहां पे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी इस तरह से, और उसमें जो है फ्लोर बाय फ्लोर बने होंगे इस तरह से, और इनमें छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई देंगे, देखो इस तरह से जो आपको कमरे बहुत सारे दिखाई देंगे, सारे कमरे एक जैसे, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक थे ना उनको इसी चीज का याद आ रहा था जब वो कॉर्क को एग्जामाइन कर रहे थे अपने माइक्रोस्कोप में, कि अच्छा ये तो मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स रहते हैं जिस रूम में रहते हैं उसके जैसा ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। यहीं से जो है बच्चों
सेल वर्ड की डिस्कवरी हुई, ठीक है। यहीं पे जो है सेल वर्ड जो है नाम दिया गया, ठीक है। सेल जो है जो सेल वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम होता है जिसका मतलब होता है सेलुली, ठीक है। सेलुली वर्ड से आया है सेल हमारा, और सेलुली का मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। सेलुली जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, वहां से आया है क्या बोलते हैं इसको हाँ सेल, है ना। सेल जो है वो हमारे सेलुली वर्ड से आया है, और सेलुली का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है, या फिर लिटिल कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक चीज और देखा, ठीक है, कि ये जो सेल है, सॉरी जो ग्रीक वर्ड नहीं लैटिन वर्ड, ठीक है, जो सेल है हमारा बच्चों, ये सेलुली नाम के लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम या लिटिल कंपार्टमेंट, है ना। ये ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। अब देखो, उन्होंने जो है कॉर्क को जब एग्जामाइन किया तो उन्होंने देखा कि जो रूम्स हैं इनके बीच में कुछ वॉल है जिससे कि ये सेपरेटेड है। सिंपली बोले तो दो सेल के बीच में एक वॉल था जिससे कि दोनों रूम, अरे दो रूम रूम कब कहलाएगा, अगर दो रूम साथ में है तो दो रूम रूम कब कहलाएगा, जब उनके बीच में बाउंड्री होगी, एक वॉल होगी। इसी वॉल से जो है दो रूम क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेटेड होता है, इसी वॉल की वजह से हम कह देते हैं कि दो रूम है। तो बिल्कुल वैसा ही उनको भी यहाँ पे, छोटी सी बात है कि यहाँ पे इनको जो है वॉल दिखाई दिया, ठीक है। इस वॉल से ही दोनों जो सेल थे, या सिंपली बोले तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स थे, वो दोनों क्या थे, एक दूसरे से सेपरेटेड थे, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है। अब देखो, तो यहाँ पे जो है एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने, अच्छा क्या लगता है ये कॉर्क जो है, अच्छा रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा यहाँ पे, क्या लगता है वो सेल लिविंग था या डेड था, क्या लगता है? तो देखो, कॉर्क जो होता है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया था, एक लाइन मैंने यहाँ बोली थी कि ये जो कॉर्क है मेल में जब डिवाइड होते हैं और नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉर्क सेल। और ये कॉर्क सेल बनते कैसे हैं, तो वो जो नए सेल जो बन डिवाइड होकर बन रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं, और फाइनली वो ड्राई हो जाते हैं। उनके बाहर उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर जो है एक सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल का, और वो और उसमें जो है सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरीन क्या होता है, सुबेरीन जो एक तरह का लिपिड है, ठीक है, डेरिवेटिव लिपिड्स है, ठीक है। और ये सुबेरीन जो है उन सेल्स को इम्परमेबल बना देता है वाटर के लिए भी और गैसेस के लिए भी, ठीक है। तो सेल फाइनली मर जाते हैं और फिर इस कॉर्क का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कॉर्क जो है फाइनली क्या करता है, इस पूरे ही ट्रंक को, इस पूरे ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाहर की एडवर्स कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो रॉबर्ट हुक ने बच्चों लिविंग सेल का डिस्कवरी नहीं किया था, उन्होंने एक्चुअली में डेड सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है। किसका डिस्कवरी किया था, डेड सेल्स का, ठीक है। ये कॉर्क सेल्स कैसे थे, ये कॉर्क सेल्स बिल्कुल डेड थे, सूखे पड़े हुए थे, ठीक है, ये बिल्कुल ड्राई थे, हॉलो थे, हॉलो कंपार्टमेंट थे, ठीक है, हॉलो कंपार्टमेंट थे, ठीक है ना। अच्छा, ट्री पूछेगा आपसे, कौन सा ट्री था वो, स्पैनिश ऑक ट्री का, ऑक ट्री में उन्होंने कॉर्क का स्टडी किया था। अच्छा, कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क जो होता है हम सिंपली बोल सकते हैं कि डाइकोट ट्री का सबसे बाहरी पार्ट होता है, और अच्छे से बोलना है तो डाइकोट ट्री में जो बार्क होता है, बार्क का सबसे आउटर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉर्क होता है। कौन बनाता है कॉर्क को, तो कॉर्क कैम्बियम जो है कॉर्क सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने अपने इन सारे ऑब्जर्वेशन को, रॉबर्ट हुक ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, इन सारे ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक, उनका एक बुक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इन सारी बातों को अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया, बहुत फेमस बुक है, ठीक है, और इससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था, ठीक है, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था, तो माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया नाम के एक बुक में उन्होंने इन सारी चीज़ों को, ठीक है, उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे देखो, उस टाइम तो आज हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम कई सारे ड्राइंग को बना सकते हैं, ब्यूटीफुल ड्राइंग को, लेकिन आज भी अगर आप जा करके माइक्रोग्राफिया बुक को, उस बुक के उस पेज को देखोगे ना, सेल वाले पेज को, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने हाथ से, अपने हैंड से ये ड्राइंग बनाई है वहाँ पे, ठीक है। ये ड्राइंग जो है ना उनकी हैंडमेड है, आप जाके, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है, कि माइक्रोग्राफिया, सिंपल आप सर्च करो माइक्रोग्राफिया एंड सेल, ठीक है, या फिर सिंपली वहाँ पे लिखना कि सेल ड्राइंग बाय रॉबर्ट हुक, तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि उन्होंने इसी तरह से ड्राइंग बनाई हुई है, किसकी, वो सारे सेल्स की जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क में स्पैनिश ओक ट्री के, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। रॉबर्ट हुक ही वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सेल वर्ड का इस्तेमाल किया था, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट टू यूज टर्म सेल। रॉबर्ट हुक जो है यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सेल टर्म का पहली बार इस्तेमाल किया था, ठीक है। माइक्रोग्राफिया जो बुक है,
जो बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो वैसे ही चैप्टर 18, ठीक है, रॉबर्ट हुक के माइक्रोग्राफिया बुक में जो चैप्टर 18 है, चैप्टर 18 का नाम है ऑब्जर्व, ठीक है, उस चैप्टर में इन्होंने इस सेल के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो था डेड सेल का डिस्कवरी, ठीक है, इसके बाद पहली बार लिविंग सेल का डिस्कवरी जो है एक दूसरे वैज्ञानिक, बहुत ही मतलब वैज्ञानिक तो नहीं थे वो, ठीक है, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चमत्कार किया, आप देखोगे अभी, रॉबर्ट, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, ठीक है, बस लेकिन उनको बात यह है कि उनको लेंसेस में, जो लेंसेस की कॉम्बिनेशन होती है, लेंसेस को कॉम्बाइन करके चीज़ों को जूम करके देखना, इसमें बड़ा उनको इंटरेस्ट था। उनकी टेक्सटाइल की जो कपड़े होती है ना, उनकी उनका उसका बिजनेस था, तो वो करते क्या था एक्चुअली में, लेंसेस का इस्तेमाल करते थे कपड़े की क्वालिटी को चेक करने के लिए। जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे बच्चों, वो उनका टेक्सटाइल का अपना शॉप था, उनका बिजनेस था, और उससे क्या करते थे, वो कपड़े की क्वालिटी को चेक करते थे, थ्रेड को चेक करते थे लेंसेस से जूम करके, और देखते थे, ठीक है, कि उसके उसमें जो थ्रेड है उसकी क्वालिटी किस तरह से है, कैसी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनका इंटरेस्ट जो था लेंसेस में बढ़ता गया, और वो लेंसेस को कंबाइन करके एक लेंस से दूसरे लेंस को जोड़ना, फिर चीज़ों को और जूम करके देखना, इनमें उनका बड़ा इंटरेस्ट था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक अपना माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, खुद से उन्होंने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, ठीक है, और उन्होंने ही पहली बार ऐसा हुआ, उन्होंने ही इतिहास में पहली बार लिविंग सेल को देखा, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, क्वेश्चन भी आता है कि हु इन्वेंट लिविंग सेल फर्स्ट, हु फर्स्ट इन्वेंट या हु फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंट डिस्कवर, सॉरी नॉट इन्वेंट, डिस्कवर लिविंग सेल, तो वो उनका नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का। इन्होंने 1674 में पहली बार, ठीक है, नोटिस किया एक फ्री लिविंग सेल को, ठीक है। ये लिविंग सेल कुछ और नहीं था, ये एक्चुअली में बैक्टीरिया था, और इन्होंने बारिश की जो पानी होती है ना, बारिश हो रही थी, और बारिश से क्या हुआ कि जो तालाब था वो पूरा भर गया था, उन्होंने तालाब से ही थोड़ी सी पानी उठाकर लाई, ठीक है, और उस तालाब के पानी को ही ऑब्जर्व किया उन्होंने माइक्रोस्कोप में, तो उनको क्या दिखाई दिया, उनको जो है छोटे से छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, सिंपली बोल सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, उनको जो है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बैक्टीरिया वर्ड तो आया नहीं था, ठीक है, बाद में ये नाम पड़ा है, टर्म पड़ा है, तो उस टाइम पे उनको जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है उस पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए, ठीक है, उस बारिश के पानी में जो तालाब से उन्होंने लाया था और उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने, तो उसमें उनको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए फ्लोट करते हुए, ठीक है, और उस टाइम पे उन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्यूल्स, ठीक है, इसको मैं रेस करता हूँ, ठीक है, इसे रेस करते हैं, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो, फिर इसे रेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल्स, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, पहली बार जो है लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, और उन्होंने पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में पहली बार छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्लोट करते हुए देखा, और उन्होंने उसका नाम दिया एनिमल क्यूल्स, एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है लिटिल ऑर्गेनिजम्स, लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, उनको लगा कुछ एनिमल्स है, ठीक है, उस टाइम कोई एप्रोप्रिएट टर्म तो था नहीं, कि वो बोलते कि बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया एक्चुअली में, इसका नाम दिया एनिमल क्यूल्स, एक्चुअली में उन्होंने नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, ठीक है, जंगली छोटे छोटे जानवर, ठीक है, उन्होंने नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ही पहले वो वैज्ञानिक थे, पहले वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। उन्होंने आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का भी डिस्कवरी इन्होंने किया है, इन्होंने ही स्पर्म की भी डिस्कवरी की है, ठीक है, और इन्होंने ही प्रोटोजोआ की भी डिस्कवरी की है, प्रोटोजोआ मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इन सब की डिस्कवरी भी इसी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की है, ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कुछ नोट्स है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे आपके क्लिक करने के बाद जो है आप आराम से व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओगे, और वहाँ पे जो है मैं सारे नोट्स यहाँ पे इस सेल्स के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको इसके नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मैं सारे वहाँ पे आपको सिंपली प्रोवाइड कर दूंगा सारे नोट्स, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और एज अ PDF आप उसे अपने फ़ोन में स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और आप जब भी रिविजन करना चाहो तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो। सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ मैंने उसे एक नोट्स में, देखो इस तरह से नोट्स है, समझ आ रहा है राइटिंग, देखो ठीक है, इस तरह से नोट्स है और इसमें मैंने सारी बातें लिखी है, ठीक है,
और यही नोट्स आपको भी पढ़ना है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चैप्टर सेल के। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखाई देते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, आपने वंडर किया होगा और पूछा होगा खुद से, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, वो क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, ऐसा क्या है, ठीक है, क्यों ऑर्गेनिज्म जो है, क्यों एक ऑब्जेक्ट सिंपली मूव कर सकता है खुद से, वो खा सकता है पी सकता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट यानी सिंपली बोले तो वॉल टेबल है ना चेयर, ये सब मूव नहीं कर सकते खुद से, ये सब खा पी नहीं सकते, इनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्यों एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है, ऐसा क्या है जिसको ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग, यानी सिंपली बोले तो एक इनएनिमेट थिंग जो है जो कि एनिमल नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, उनमें ऐसा क्या है जो कि नॉन लिविंग में नहीं, सॉरी जो कि लिविंग में नहीं है, या फिर सिंपली बोले तो जो लिविंग में ऐसा क्या है जो कि नॉन लिविंग में नहीं है, यानी क्या है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाता है, और इसका आंसर है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और है ना, यानी नॉन लिविंग को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें उसमें सेल दिखाई नहीं देगा, जैसा कि हमने माउस को जूम करके देखा था और हमने प्लांट को जूम करके देखा था तो हमें उसमें छोटे छोटे बेसिक यूनिट दिखाई पड़े थे जिनको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है, थीके? तो हमें जो है लिविंग नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसे जूम करके तो हमें उसमें ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसे सेल कहते हैं ये हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो वो किसके बने होंगे बच्चों, वो बने होंगे सेल्स के, ठीक है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, एक सेल खुद में ही एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे मैंने दिखाया था बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया सिंगल सेल का है और खुद में ही क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है जो हम कर रहे होते हैं, जो भी लाइफ के लिए एसेंशियल है, वो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, ठीक है, वो फिर डाइजेशन हो, है ना, कोई भी जो भी लाइफ का लाइफ रिप्रोडक्शन हो, कोई भी लाइफ का प्रोसेस हो जो कि एसेंशियल है लाइफ के लिए, वो सारे प्रोसेस सारे फेनोमेनल वो कर रहा होता है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें हो रही होती है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या है अपने आप में, अपने आप में ही एक जीव है, एक पूरा फुल ऑर्गेनिज्म है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाइल अदर्स लाइक अस, और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हमारी तरह हैं, जैसे कि हम हो गए, है ना, डॉग हो सकता है, कोई ना ब्लू व्हेल हो सकती है, एलिफेंट हो सकता है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमारी तरह ही हैं, ठीक है, बड़े है ना, बहुत सारे सेल्स के बने हुए, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलुलर मीन्स सेल से बने हुए, यानी कि इनफैक्ट यानी कि दो कैटेगरी सेल की और यहाँ पे आती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कितना सेल प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, इसके ऊपर भी दो कैटेगरी आती है सेल की, पहला आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से कंपोज होता है, सिंगल सेल का बना होता है, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके, अमीबा, पैरामीशियम, दुनिया के सारे बैक्टीरिया, ठीक है, दुनिया के सारे बैक्टीरिया ही सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल के बने होते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, इसमें डॉग, मंकी, कैट, रैट, हम, है ना, चमगादड़, बैट, जितने बर्ड्स हैं, है ना, जितने मैमल्स हैं, जितने एम्फीबियंस हैं, जितने रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट एनिमल किंगडम जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे वहाँ पे फाइलम है, पोरीफेरा है, सिलेंटेराटा है, टीनोफोरा है, प्लैटीहेलमिंथ्स है, एस्कल्मिंथ्स है, एनलिडा, एर्थ्रोपोडा, मॉलुस्का, इकानोडर्माटा, हेमीकोडेट्स, है ना, प्रिकॉर्डेट्स में आता है, यूरोकोडाटा, सेफलोकोडाटा, ये बहुत सारे फाइलम है, ठीक है, और इनमें हम बहुत सारे एनिमल्स को हम रखते हैं, इन सारे ही फाइलम, ये सारे जो फाइलम है ना, ये सारे आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। लेकिन आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की संख्या अगर हम बात करें नंबर्स की, ठीक है, पॉपुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन्हीं ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। आपने देखा कि हमारी बॉडी बनी है 37 ट्रिलियन सेल की और हमारी बॉडी पे 40 ट्रिलियन
सिर्फ प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, इनकी इनकी नंबर्स ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, विविधताएं की, नंबर ऑफ स्पीसीज की, तो वो जो है हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को ज्यादा मिलती है। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो वहां पे हमें आर्थ्रोपोडा जो है, जो फाइलम है, हमें वहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, यानी इंसेक्ट्स की बात करें सिंपली, तो हमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये था हमारा बच्चों डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ सेल, ये हमारा पहला टॉपिक था आज का, ठीक है। इसको रिवाइज करना और जो भी मैंने चीजें बताई है उसको जो है अच्छे से घर पे और अच्छे से समझने की कोशिश करना, और जो भी टर्म यहाँ पे आया था, बहुत सारा टर्म आया था, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद कई सारे एग्जांपल्स थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, मैं जब नोट्स दूंगा तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कि बहुत सारी चीजें वहाँ पे है जो आपको घर पे रिवाइज करने की जरूरत है, आपको फिर से उसे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल, है ना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ सेल, ठीक है। अच्छा आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।